आप चाहें तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्ट होना या जागना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके शरीर का तनाव बिल्कुल बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और साथ ही साथ ये महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को और आपके मन को और अधिक हल्का कर रही है। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें और अपने मन को पूरी तरह से शांत हो जाने दें। आज का समय अपने अंदर की यात्रा करने का है। आपने बहुत विचारों की गुलामी कर ली, क्रोध के गुलाम बने, वासना के गुलाम बने, चिंताओं परेशानियों के गुलाम बने, लेकिन आज ये वक्त है कि आप अपने अंदर की यात्रा करके इन सब के मास्टर बने या इन सब के स्वामी बने। इस ध्यान को हम तीन चरण में करेंगे। पहले चरण में हम अपने शरीर के साक्षी बनेंगे। दूसरे चरण में हम अपने मन को देखेंगे और तीसरे चरण में हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। अब आप अपनी चेतना को अपने सिर और चेहरे के हिस्से पे ले जाएं। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ चेहरे को और सिर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। सिर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव करें। यू आर फीलिंग अ वार्म सेंसेशन इन योर फेस एंड योर हेड। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। गर्दन की मांसपेशियों को देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधों और दोनों हाथों को देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कंधे और हाथों का तनाव पूरी तरह से बाहर जा रहा है। और अब जब आपके कंधे, आपका गर्दन, आपका सिर और आपके हाथ रिलैक्स्ड हो चुके हैं, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। शांत होने लगा है। छाती और पेट के साक्षी बने।
वहाँ मौजूद अनावश्यक तनाव को, टेंशन को रिलीज करिए। पीठ के साक्षी बने, पीठ की मांसपेशियों को महसूस करें, उसको अपने मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ पूरी तरह से पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें।
Oh.
और अपने चित्त को तालुभाव पर रख के ध्यान करो।
जिस तरह से जल किसी भी चीज का प्रतिबिंब हमें दिखाता है, उसी तरह से अपने मन को एक आईना की तरह बना लें। जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, उनसे कोई हट ना करें, उनसे कोई लड़ाई ना करें। वो आएंगी और वो चली जाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको देखते जाना है, उनका एक दृष्टा बनना है। मैं अपने शरीर को देख सकता हूं, मैं अपने श्वास को भी देख सकता हूं, और आज मैं अपने विचारों का भी दृष्टा हूं। आई एम जस्ट अ विटनेस टू माई थॉट्स। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग, बट यू आर अ विटनेस। Thoughts are coming and thoughts are going. You are nothing but a witness. और अब ये समय है वापस आने का। आसपास की आवाजों को फिर से सुनना शुरू करें। शरीर को महसूस करना शुरू करें। शरीर को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। ये महसूस करिए कि आपका वजन इस कुर्सी ने या जमीन ने ही उठा रखा है। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। महसूस करिए कि आप कितना शांत हैं। महसूस करिए कि आप कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान इस धरती की संजीवनी है और हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।